आजमगढ़ युवती की ताबड़तोड़ चाकू मारकर हत्या। आजमगढ़ दीदारगंज थाना क्षेत्र के सुरहन में शनिवार को दिन में युवती की ताबड़तोड़ चाकू से वार से हत्या कर दी गई। घटना स्थल एसडीएम आवास से करीब 500 मीटर की दूरी पर स्थित है। घटना के बाद मौके पर कई थानों की फोर्स के साथ अधिकारी गण भी पहुंच गए थे। मृतिका का नाम 22 वर्षीय शबनम पुत्री जेतू राजभर है। शबनम की मां आशा खेत में काम कर रही थी। शबनम उसके लिए खाना ले जा रही थी, तभी हमलावर रास्ते में उसको घेर लिए। घटना के बाद जहां आरोपी मौके से फरार होने में कामयाब रहे, वहीं मौके पर थोड़ी देर में भारी भीड़ जुट गई और लोग हंगामा करने लगे। सूचना के बाद पुलिस अधीक्षक सहित कई थानों की पुलिस फोर्स मौके पर पहुंच गई। बता दें कि शबनम का पिता बाहर रहता है, घर पर तीन पुत्रियां ही हैं। पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य ने बताया कि आज दोपहर युवती के हत्या होने की सूचना मिली। युवती के गर्दन के घाव के निशान हैं। परिजनों द्वारा बताया कि गांव के ही गांगुली उर्फ नवनीत सिंह 21 साल और शुभम गौतम उर्फ जीतू 20 साल द्वारा घटना को अंजाम दिया गया है। सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए 5 टीमों का गठन किया गया है। जल्द से जल्द आरोपियों को गिरफ्तार कर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आपकी जानकारी मिली है तो आप आज दोपहर को थाना दीदारगंज अंतर्गत सुरहन गांव में सूचना मिली थी। एक 21 वर्षीय बच्ची जिसका नाम शबनम पुत्र पुत्री जैतून राजभर है, इनके गर्दन के पास कंधे में चाकू मार के हत्या कर दी गई है। परिजनों से वार्ता की गई, इनके द्वारा बताया गया कि दो लोग गांगुली उर्फ नवनीत सिंह पुत्र पूरण सिंह उम्र लगभग 21 साल और शुभम गौतम पुत्र जीतू उम्र लगभग 20 साल, इनके द्वारा ये घटना कारित की गई है। घटनास्थल का निरीक्षण स्थानीय थाना प्रभारी सीओ साहब फील्ड यूनिट के द्वारा, एसओजी टीम के द्वारा, एडिशनल एसपीआरए और मेरे द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया है। परिजनों से वार्ता की गई है, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। जो अभियुक्त हैं वो इसी गांव के रहने वाले हैं। इनकी गिरफ्तारी के लिए 5 टीमें मेरे द्वारा गठित की गई हैं और बहुत कठोर कार्रवाई पुलिस के द्वारा सुनिश्चित की जाएगी। परिजनों से भी वार्ता की गई है, जो मृतका हैं उनकी माताजी से भी वार्ता की गई है और यही आश्वस्त किया गया है कि पुलिस बहुत कठोर कार्रवाई इसमें इंश्योर करेगी और बहुत जल्दी कार्रवाई इंश्योर करेगी। परिवार को सहायता भी जी, उसके लिए भी डीएम साहब से वार्ता हुई है। जो भी विधिक रूप से संभव है वो सारी सहायता परिवार की जाएगी।